के लिए नहीं है। मॉक टेस्ट में जो नए सवाल आते हैं, जिन सवालों में आप फंसते हो, जो आपको यूनिक चीजें लगती हैं, तो आप एक अलग से डायरी या कॉपी बनाओ और उसको जो है उस कॉपी में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने जो फोल्डर में सेव करके रखो, तभी कुछ बेनिफिट